जी हम तो निकलने की भी जगह को नहीं, पानी मत निकल का जावा, इतना पानी मत है सीवर का सब क्या है गंदा पानी आवे सब दिक्कत है। बिल्कुल साफ साफ नरक है, अगर किसी ने नरक देखना होना तो रोबैने की एरिया के दर्शन कर लो। लगता है किसी मौसम में आ जाओ, सर्दी में या गर्मी में बारिश में कभी भी आ जाओ, आप यहाँ आपको डूब के निकलना पड़ेगा। हमारी बाइक की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि सब कुछ गड़ चुका है इनका, हम नहीं लाने की सोच रहे हैं तो कहाँ से लाए गरीब आदमी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों मैं भिवानी के एक ऐसे एरिया में खड़ा हूं जिससे ये लोग आज ये कुछ लोग यहां पर खड़े हैं, कुछ युवा यहां पर खड़े हैं, वो उसे ना तो वार्ड 15 कह रहे हैं, ना 16 कह रहे हैं, ना 14 कह रहे हैं, इसे नरक बता रहे हैं वो लोग। हालांकि मैं दो तीन बार पहले भी यहाँ की कवरेज दिखा चुका हूँ, टस से मस नहीं होता, ना तो प्रशासन की बात करूँ, कई महीनों के अंतराल में मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हालात ऐसे थे कि यहाँ पर पहले भी एक अर्थी निकली है, वो भी यहाँ पानी से ही निकले हैं लोग, और सुबह का हाल यहाँ पर बहुत बुरा था। जब लोग यहाँ से निकल रहे थे, बुजुर्ग यहाँ से निकल रहे थे, तो शायद दुआएं कर रहे थे कि परमात्मा मैं आपकी प्रसाद चढ़ाऊंगा, यहाँ से आज सुरक्षित निकल जाऊँ। तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और इन लोगों ने, युवाओं ने, और शायद एक युवा हैं, उन्होंने मिल करके यहाँ ये पानी निकलवाया है और आज व्यवस्था सेट की है। भाई साहब कौन सा वार्ड है ये, यहाँ पर ये हाल है, ये किस बड़ी वजह? हनुमान गेट से पीपली वाली जोड़ी की तरफ रोड जाता है, 15 नंबर वार्ड है ये। यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, पानी यहाँ 24 घंटे तैयार रहता है, किसी भी मौसम में आ जाओ, सर्दी में या गर्मी में बारिश में कभी भी आ जाओ, आप यहाँ आपको डूब के निकलना पड़ेगा। हमारी बाइक की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि सब कुछ गड़ चुका है इनका, हम नहीं लाने की सोच रहे हैं तो कहाँ से लाए गरीब आदमी। हमारा गरीब तबका है और यहाँ बिल्कुल ही ये लगा लो रहने के लायक ये नहीं है। 14 वाले आ रहे, ना 15 वाले आ रहे यहाँ पे, ना कोई चेयरमैन आके देख रहा है, ना कोई पार्षद आके देख रहा है। क्या बात, वोट वगैरह नहीं देते? ना कोई MLA आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कितना पानी भरा पड़ा, 4 दिन हो गए यहाँ पे पानी, और बारिश आते तो दोबारा भर जाएगा ये, ठीक है, सीवरेज का पानी है ये। और ज्यादा बुरी हालत, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है यहाँ से, JCB से रास्ता बनवाया है कि भाई अपना, अब की बार इसके साथ है सब 15 नंबर वार्ड से। चलो, आपको कैसे ये मौका मिल गया कि मतलब लोग परेशान हैं, आप ठीक करेंगे तो शायद लोग आपके तरफ रुझान बढ़ जाए। विनोद भाई ऐसा है, यहाँ ये तो बड़ों का आशीर्वाद है, और अब की बार सोच रहे हैं ये भाई साथ हैं, पूरी यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं पहले से, तो अब की बार सोचा कि सेवा का मौका मिले और ये साथ रहेंगे। तो पार्षद हैं जो पुराने हमारे यहाँ के, चेयरमैन हैं कमेटी, हमने कई बार आपसे भी एक बार पहले हमने वीडियो बनाई है, उसके बाद भी आपने देखा इसका कोई भी वो इसका इलाज नहीं हुआ। तो आज हमने खुद यहाँ पे JCB बुला के एक बार इतना हो जाए कि बच्चे बूढ़े जो स्कूल जाते हैं या कोई काम पे जाता है, ये गरीब तबका है, सुबह सबको काम पे जाना पड़ता है, बेचारे पैदल जाते हैं यहाँ से, तो उनके लिए भी रास्ता नहीं था बिल्कुल। यहाँ एक बार आप पीछे दिखा सकते हो, ये जो इसमें काम करने वाले लोग हैं इतने परेशान थे, यहाँ से अंदर जाते टाइम भी इनको इतनी दिक्कत होती थी कि आने जाने में बुरा हाल रहता है। तो आज एक बात बताओ, जैसे आपने आज JCB वगैरह लगा के यहाँ पर कई घंटे तक काम करवाया है, इसका अल्टरनेट ही रहेगा या फिर सोल्यूशन यू माने कि हमेशा? कल हमने वॉइस चेयरमैन है अपने मामन जी, उनसे बात की थी, तो कल भाई साहब ने हमें टाइम दिया कि आप आ जाओ एक बार DC ऑफिस में, तो आपकी एप्लीकेशन लिख के और हम इसका समाधान करवाएंगे। तो एक बार हम कल जाएंगे वहाँ पे, जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ से, सबको लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे भी क्या इसका जो बिल्कुल, अगर ठीक से इसका कोई करवाते हैं समाधान तो ठीक है, नहीं तो हम मिलके आगे और कुछ करेंगे फिर। ये लोग कह रहे हैं कि अब आपको चुनेंगे, शायद मिल जाता है आपको यहाँ से पद, आपकी कुर्सी, मतलब आपकी मिसेज यहाँ से जीत जाती हैं, महिला की सीट है यहाँ पर, तो क्या सोल्यूशन इसका, परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो आने वाले वक्त उनसे? वादा भाई ऐसा है, वादे देखो, वादे करने में कुछ नहीं आया, जो निचले स्तर पर रह के काम करेगा उसको ही ये पब्लिक है
ये अपने आप बता देती है कौन काम करने वाला है कौन नहीं है। हम यहाँ से जुड़े हुए हैं 25 साल से, तो हमने देख रहे हैं भाई इसमें क्या सुधार किया है। और इस रोड का, और आप देख सकते हो आगे जो ये तालाब है पीपली वाली जोड़ी के नाम से जो ये जगह प्रसिद्ध है, इसका यहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ। भिवानी के अंदर कोई भी आज एक भी आप जोड़ तालाब ऐसा दिखा दो जिसका आज ये हाल हो। सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पुराना शिवाला है, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं हुआ आज तक। तो मेरी यही सोच है यहाँ पे रह के हम लोगों से जुड़ के अच्छी तरह काम करें और आगे से इनको कोई तकलीफ ना हो। कितने साल से ये समस्या है यहाँ पर, और यहाँ लोगों के कैसे विचार हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर? समस्या ऐसी है जी, हमने 15 साल तो हमने हो गए देखते हुए, यो है बड़ा बुरा हाल। जो MC है उरे के और जो भी है पार्षद हैं, वह सिर्फ इलेक्शन के टाइम बता जाए हैं, बाकी उरे के हाल है के नहीं है उसने कोई मतलब नहीं किसी ने। ऐसा बुरा हाल रहे है, मतलब निकलना तो महाभारत उरे बड़ा बुरा हाल है। सिर्फ वोटा के कारण तो आ जाए हैं, और हमारे वोट की मतलब 1% कोई कीमत नहीं हो रहा है, किससे ने वोट खातर कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ इलेक्शन का टाइम पाओ है, लेकिन हम जो है हमारे एरिया का ही हमने आदमी ठाना पड़ेगा और वो इसका समाधान करवा सके कि मैंने कि में। ये महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं यहाँ काम करती हैं। हाँ जी, हम तो लेकर की भी जगह को नहीं, पानी मत निकल का जावा, इतना पानी मत है, है? शिवर का सब कह गंदा पानी आवे, साधन अपने वह टूट फूट जा भाई, बताए कितने ठीक करवावा, इसे तो किराया का ढूंढा नूर हम। एक साल से समस्या है यहाँ पर आपके? दो साल से दो तीन साल तो मैं पानी में निकला हूँ, फैक्ट्री में जाऊँ। आपको 2 साल से समस्या है, वैसे इस इलाके वालों को तो काफी टाइम से, कई साल तक है तो जी। हाँ, कितने साल से होगी? एक बुजुर्ग बाबा है, एक और बच के यू सोच रहा है कि आसानी से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ये देखो सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बेचारे, ये तो आज जगह होगी। बैणी का अगर नरक देखना है तो उरा आ जाओ, साक्षात दिक्कत है उरे, बिल्कुल साफ साफ नरक है। अगर किसी ने नरक देखना होना है तो उरे बैणी के इस एरिया के दर्शन कर लो, इससे बड़ा नरक कितने को नहीं। हरिद्वार जाने की जरूरत पड़ेगी, उरे आ जाओ। हरिद्वार में नरक थोड़ी है, वहाँ से तो मुक्ति मिलती है। ये तो सुरख हाड़ है, ये सब पानी में सुरख है, तो नू तो देखना चाहिए कि मैं तो समाधान करा रहा है ना, पानी में बच्चे ही पड़ जाए कई बार तो। उरे हाँ, चोट लगी है? हाँ लगी है, चोट भी लगी है यहाँ पे, चोट भी लगती है यहाँ से। मैं एक जगह दिखाऊंगा आज उर्ली का, नहीं जिस तरह यहाँ जगह उ रहा है, वो गवर्नमेंट की नजर में नाला बन रहा है, गवर्नमेंट की नजर में यो नाला बन रहा है। कितना अपने नाला के दर्शन हो या बता दो आप हमने, यो नाला पानी की निकासी खतर बना रखा है, एक भी वो दिखता हो आपने की नाला का है भी, नामो निशान भी नहीं छोड़ रहा। काल्पनिक नाला, भिवानी में काल्पनिक नाला है आपको, जो यहाँ पर नाला समझो एक, यहाँ मानो है जो दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा नाला बना रखा है सरकार ने, बहुत बढ़िया तरक्की से काम करवा रखा है। ये विकास है भिवानी का, और विकास का आप देख सकते हैं यहाँ ये महिलाएं काम करती है, मुझे नहीं पता किस टाइप की फैक्ट्री है यहाँ पर, तो लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख नहीं रहा है, ऐसा कांच का है या किस चीज का, यहाँ पर स्पेशल नाला बनाया गया है। ये मिस्टर इंडिया वाला नाला है जो कि प्रशासन को कागजों के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जमीन पे नहीं है वो नाला। बनाने आए तब भी वो जो कलाकार थे इसके मिस्त्री वगैरह वो भी मिस्टर इंडिया की वजह से ही थे। यहाँ के MC हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, हमारा CM है खट्टर, वो सब मिस्टर इंडिया जैसे हैं यहाँ इसी एरिया के लिए। ये जो नरक कहती है ना उससे बेटर है, वो नरक वो है ना, उसका भी गंदा है नरक है वो, यानी कि 3 गुना नरक है ये, हम यहाँ जिंदगी जी रहे हैं। समाधान क्या हो सकता है, इतने दिन से आप लोग दुखी हो भाई। समाधान तो हमारा कोई कैंडिडेट बनाई जब समाधान हो, समाधान तो ऐसा है जो यो आज हो रहा है ना, यो हमारी खतर बड़ा है, समाधान हो रहा है। सवेरे उरे इतना इतना पानी था गोड्डा गोड्डा तक, निकलना आदमी का महाभारत था। यो हमारा भाई विक्की है, इस विक्की भाई स्पेशल खड़े होकर बुला कर जैसी भी उरे चलवा कर यो रास्ता करवाया है, और यो देखो भाई साहब सारा पानी का निकास है, उर्ली का निकलवाया है, नहीं तो भाई साहब निकलना महाभारत था उरे। तो बड़ा तो देखिए कि ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्या थी। ये विक्की भाई मैं आपसे बात करूंगा, ये किस चीज की जगह है, खाली है, आज तो यूज कर लिए लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो? विनोद भाई ऐसा है, ये हनुमान मंदिर है जो यहाँ पे उसकी जमीन है, तो बाबा चरणदास जी से हमने एक बार फोन पे बात करके की थी कि बाबा जी यहाँ पे बहुत दिक्कत है आने जाने वालों को, बच्चों को भी प्रॉब्लम, तो बाबा जी ने हमारा साथ दिया, बोले भाई एक बार आप ये कोई आप ये मत समझो कि इसका पूर्णतः इलाज है, इसको हम 1-2 दिन के लिए ये इलाज किया पानी निकल जाए यहाँ से रास्ता हो जाए, उसके बाद इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया तो आगे भी मकान है उनको भी दिक्कत होगी, आने वाले जो आगे ग्राउंड है उसमें बच्चों को भी रास्ते में दिक्कत होती है, तो एक बार ये तो टेम्परेली सा काम करवाया हमने। अच्छा एक बात बताओ भाई, वोट जब मांगने आते हैं नेता, जैसे आज ये भाई खड़ा है,
वैसे नेता मांगने आते हैं तब किस तरीके की बातें होती है, क्या वायदे होते हैं कि यहाँ का सोल्यूशन करवाएंगे? वो नहीं पाता तब आप इलेक्शन के टाइम पे तो भाई साहब ऐसा बात है कि इलेक्शन के टाइम पे तो सब इनको हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। मेन समस्या जी इस जो ये जो गंदा पानी इकट्ठा होता ना इससे उस साइड का MC बनता है, तो उस साइड तो आप देख लियो कभी भी उस साइड तो काम बिल्कुल ओके मिलेगा। दादा रोड भी बना हुआ है, दादी रोड सारी चीज ओके हैं। वैसे इस साइड का कोई MC नहीं बना इस एरिया का। अब की बार मतलब बस्ती वाले ने इस एरिया में कम से कम 2500 वोट है इसकी, तो इन्होंने सोल्यूशन निकाला भाई इस एरिया किसी को उठा के, ये हमने भाई थी कही है 10-20 जने इकट्ठे हो गए भाई, थोड़ा समझदार भी है, थोड़ा एक्टिव भी रहे सामाजिक कार्यक्रम में, तो हाँ बस्ती वाले ने इकट्ठा हो गया सब ने उठाने की कोशिश करी, इसलिए उठाया है। अब की बारिश के साथ है इससे भाई ने ये पानी निकलवाया है। क्षेत्रवाद का भी सामना करना पड़ता है इन लोगों को कि दूसरे क्षेत्र का MC है तो यहाँ पर विनोद भाई आपने देखा हो यहाँ से खरक से निकलते ही एक आपने देखा हो पहले उड्डा की सरकार में खैरडी मोड़ वहाँ तक पिछली सरकार ने रोड बनवा के छोड़ दिया था, तो एक पाकिस्तान की सीमा जैसा आप यहाँ पे देखो जो ये 100 मीटर आगे वहाँ तक का ब्लॉक का रोड बना हुआ है, उससे आगे फिर यही हमें क्षेत्रवाज का जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको उस साइड चले जाओ बनवान ढाणी में बिल्कुल इतना पानी भी नहीं मिलेगा, रोड टूटा फूटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जो पार्षद है वो भी ठीक है और वहीं पे उनको वोट मिली है और वहीं पे वो काम करवा रहे हैं। हमने 10 बार उनको फ़ोन कर लिया, इस इलाज के लिए भी मैंने पार्षद को पिछली बार बोला था कि भाई साहब आप एक बार JCB लगवा के ये काम तो करवा दो आप, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं, तो आज हार के हमने फिर सबको भाई घनश्याम दो राम जवालिए मंत्री है दो DC ऑफिस में जाने की तैयारी थी आज, फिर वो करेन वाले का फोन आया भी मैं आज थोड़ा फ्री हूँ आ जाऊँगे, तो वो बुला लिया ये भाइया ने कहा कि करवा के ना सब नहीं इकट्ठे हो गए तो ये करवा है भाई ने कही दिन भाई वो पानी कम दम थोड़े बहुत वो बात है 10-20 दिन खातर तो निकास हो जाए एक बार बाबा जी से पूछ पाछ कर जो सोल्यूशन निकाला है। हाँ DC ऑफिस में जाने का कल का प्रोग्राम बना रखा है, एप्लीकेशन लिखते मैं देख आएंगे कि भी क्या सोल्यूशन निकलता है। जैसे आज तो आपने ये रास्ता निकलवा दिया यहाँ से थोड़ा बहुत हो गया, नहीं तो पानी के बीच से निकलना पड़ता था पानी महिलाओं के बीच में। आपने सुबह देखा हो, सुबह मेरे पास एक वीडियो क्लिप है मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें इतना इतना पानी था, तो एक बुजुर्ग है उनको आंखों से दिख भी कम रहा था लेकिन बीच से उस गली से पार जो पुराने हमारे यहाँ के पार्षद हैं प्रकाश जी उनकी गली में भी इतना इतना पानी था, वहाँ से निकलने के लिए भी उनको ऐसे ऊपर करके पैर फिराना पड़ा, तो बहुत बुरा हाल था। ये तो आप 11 बजे के बाद यहाँ पे पानी उतरा है, नहीं तो बिल्कुल भी निकलने का रास्ता नहीं था, पैदल का तो राह ही नहीं था कोई भी। यहाँ के MCO का अगर वेद भाव आपने देखना है ना तो इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आप जाओगे आप तो रोड ब्लॉक का यहाँ से मतलब ब्लॉक का रोड शुरू हो गया, इस साइड घुमाओगे बिल्कुल बढ़िया एरिया दिखेगा और जिस तरह आपने कैमरा इस तरफ कर दिया तो पूरा नरक शुरू हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ बना रखा है जी। भिवानी के इन लोगों का, इन युवाओं का यहाँ पर एक सपना था कि आने वाले वक्त में भिवानी के हिस्से जिस हिसाब से यहाँ पर रहना इन्होंने शुरू किया और भिवानी के इन हालातों को देखते हुए अब इन्हें मजबूरी वश अपने ही एरिया से कोई नए लड़के को शामिल करना पड़ा राजनीति में, वो लड़का कितना इनका भरोसेमंद साबित होगा आने वाले वक्त में, क्या इस समस्या का समाधान करवा पाएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये जो हालात हैं BJP हमेशा कहती है, सरकार हमेशा कहती है, सरकार के नुमाइंदे कि भिवानी में विकास हुआ तो विकास नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या सिर्फ बाहर के हाईवे बन जाने से विकास हो जाता है? शहर के इन लोगों को जो कि शहर में रहने के लिए आए थे, शहर की उम्मीदें थी इनकी, उनका क्या होगा? क्या यहाँ के पार्षद, क्या यहाँ के विधायक, क्या यहाँ के MP तक ये समस्याएं जाती है तो उनका समाधान उनके पास नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।